टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जिला बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत लही मिरेटा के लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क सुविधा की मांग को लेकर गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल ग्राम पंचायत जेजवी की प्रधान रीना पुनीर की अगुवाई में उपायुक्त पंकज राय से मिला और जेजवी से संपर्क मार्ग लही मिरेटा दलित बस्ती के लिए सड़क खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि आगामी 5 जून तक इस सड़क को सुचारू रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल नहीं करवाया गया तो 6 जून को समस्त ग्रामीण जेजवी बस अड्डा पर क्रमिक अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग की होगी। आज हमारे बली मरेटा गांव के लोग जो है वो हमारे डीसी महोदय से डेपुटेशन मिलने आया था, क्योंकि हमारे बली मरेटा के लिए जो है जेजवी से बली मरेटा बाया दुर्घाट गुहार के लिए जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और लोगों को उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी कोई बुजुर्ग बीमार होते हैं या प्रेग्नेंट महिला है तो उनको पालकी या पीठ पे उठा के आज की 20वीं सदी में भी उठा के लेके जाना पड़ता है। और दूसरा सर, इसी रोड के बीच में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल IPH विभाग, हमारा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, एक प्राइमरी स्कूल और एक बल्ली मरेटा गांव के लिए जो है कबीरपंथी सभा से जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र मनोनीत हुआ था, किंतु आज तक इन चीज़ों के इस रोड के बंद होने की वजह से जो है हमारे स्कूल के बच्चों को या स्कूल के जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी रुकी हुई है और हमारा बल्ली मरेटा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है इस सड़क की बंद होने की वजह से जो है उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आज हमारे जिलाधीश महोदय से डेपुटेशन मिला और जिलाधीश महोदय जी ने यहाँ पर हमें आश्वासन दिया कि जो भी इसके लिए करने के लिए जी उचित कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।